13 जुलाई को नगरीय निकाय के लिए होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा, SDOP सौरभ रत्नाकर, थाना प्रभारी DK सिंह ने सोमवार की शाम नगर के बागरन टोला, नन्ही पवई उत्कृष्ट विद्यालय, नगर परिषद जनपद, कन्याशाला मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। श्री मीणा ने बताया कि प्रशासन द्वारा अपने स्तर से शांतिपूर्ण मतदान कराने और वोटिंग के दौरान किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ने ना पाए पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला मुख्यालय के अलावा बाहर से भी स्पेशल पुलिस बल तैनात रहेगा। वोटिंग वाले दिन बुधवार को भी कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ नगर के पोलिंग बूथों का जायजा लिया जाएगा। लोकतंत्र के महोत्सव में निडरता के साथ अपने मत का उपयोग करें। पन्ना जिले में नगरीय निकाय का द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को होना है और गुनौर, अमानगंज और पवई नगर परिषद में ये चुनाव होना है। पवई में 15 वार्डों में 16 मतदान केंद्रों पर चुनाव होना है। आज मतदान केंद्रों का मेरे द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा रहा है और इन मतदान केंद्रों की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पे क्या चीज़ की आवश्यकता। इन सभी मतदान केंद्रों का मेरे द्वारा भ्रमण करने के पश्चात आकलन किया गया है और यहाँ पे कुछ मतदान केंद्र, 3 मतदान केंद्र जो है संवेदनशील। पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।